अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा हम आपके सोशल का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, लास्ट हमने बैटल ऑफ बक्सर रीड कर रहे थे। न्यू मिलिट्री सेटअप एंड अबॉलिश द कस्टम ड्यूटीज, दीज स्टेप प्रूव्ड डिस्ट्रॉयर फॉर द कंपनी। फाइनली द बैटल फॉट इन 1763, मीर कासिम वॉज डिफिटेड द कंपनी फोर्स एंड ही फेल टू अवध। सुजा उद्दुल्ला वॉज द नवाब ऑफ अवध। सुजा उद्दुल्ला ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड शाह आलम द फ्यूगेटिव मुगल एम्परर हैड टेकन रिव्स इन अवध। द थ्री अलायंस क्लैशेज विद द कंपनी आर्मी एट बक्सर ऑन 23rd October 1764 एंड दे वर डिफिटेड। सिराज उद्दुल्ला एंड शाह आलम इन 1765 साइंड अ ट्रीटी विद क्लीव। अब जो ब्रिटिश के गवर्नर थे क्लीव, उन्होंने जब मीर कासिम को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था तो उनके बहुत सारे ड्यूटीज़ कस्टमाइज कर दी गई थी, और ये जो स्टेप लिया गया था मीर कासिम के द्वारा वो बहुत कहीं ना कहीं बुरा साबित हुआ। फिर एक बैटल लड़ी गई, कब, 1763 में। मीर कासिम उसमें डिफीट हो गए थे, हार गए थे। उसके बाद कंपनी ने उन्हें फोर्स किया और फिर वहाँ ट्रीटी साइन की गई। अब जितने मुगल एम्परर थे वो अवध की जो ट्रीटी थी उसके अगेंस्ट में थे। ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध, इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब एक ट्रीटी जिसका नाम क्या था, अवध इलाहाबाद ट्रीटी, वो साइन की गई। अब उसके अंतर्गत लिखा क्या क्या गया था, द इंग्लिश साइंड अ ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध एट इलाहाबाद इन अगस्त 1765 अंडर द ट्रीटी। अब ये जो ट्रीटी साइन की गई थी नवाब के द्वारा इलाहाबाद में अगस्त 1765 में की गई थी। अब कौन कौन से पॉइंट रखे गए थे इसमें, द इंग्लिश वर टू गेट रुपीस 50 lakh एज अ कंपनसेशन फॉर वार एंड अवध वॉज टू बी रिटर्न टू द नवाब। अब इंग्लिश ने क्या कहा कि वो 50 lakh रुपए का कंपनसेशन मांग रहे हैं और अवध को वापस क्या बना दिया जाएगा, नवाब ऑफ अवध कॉन्सेंट इलाहाबाद कारा एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम। और अवध फिर कॉन्साइड किया गया इलाहाबाद कारा, और उनको क्या ज्वाइन करने को बोला गया, मुगल एम्परर जो शाह आलम है उनको ज्वाइन करने को कहा गया। द ब्रिटिश वर टू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द चुनार फोर्ट। अब जो चुनार फोर्ट था उस पर, मतलब किला था, उस पर पूरा कंट्रोल किसका हो गया, फिर ब्रिटिश का हो गया। द ब्रिटिश वर टू हैव अ राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन अ टेरिटरी ऑफ अवध, और उन्हें ये अधिकार भी दिया गया उस ट्रीटी के अंतर्गत कि वो जहाँ अवध है वहाँ पे क्या कर सके, बिना टैक्स पे ये अपना व्यापार चला सके। ट्रीटी विद मुगल एम्परर शाह आलम। अब एक और ट्रीटी साइन की गई, किसके साथ की गई, जो मुगल एम्परर थे शाह आलम उनके साथ। अब उसमें जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, कारा इलाहाबाद एंड एडजॉइनिंग एरियाज आर टेकन फ्रॉम नवाब ऑफ अवध एंड हैंडेड ओवर द मुगल एम्परर। अब कारा इलाहाबाद और एडजॉइनिंग जितने भी उसके आसपास के एरियाज़ हैं उन सबको नवाब से लेकर किसको दे दिया गया, मुगल एम्परर को दे दिया गया। द कंपनी एग्रीड टू पे ₹26 lakh एवरी ईयर फॉर द मुगल एम्परर, और कंपनी ने हाँ कर दी किस चीज़ के लिए कि वो 26 लाख रुपए पर साल किसको देंगे, मुगल एम्परर को देंगे। फ्रॉम शाह आलम द मुगल एम्परर द कंपनी सिक्योर्ड द दीवान राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू ऑफ बंगाल उड़ीसा एंड बिहार। अब उन्होंने शाह आलम के साथ जो अपना एक पर्टिकुलर मार्क सेट किया था उसमें वो क्या कर सकते थे, अपने दीवान को उन्होंने सिक्योर कर लिया। अब वो जितने भी रिवेन्यू थे वो बिहार उड़ीसा से ले सकते थे। दस मुगल एम्परर बिकम अ वर्चुअल प्रिजनर ऑफ द इंग्लिश कंपनी। अब कहीं ना कहीं देखने में ऐसा ही लग रहा था कि जो मुगल एम्परर थे वो क्या बन चुके थे, कैदी बन चुके थे। क्यों, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे थे खुद की इच्छा से नहीं कर रहे थे, उनसे कौन करवा रहा था, जो इंग्लिश हैं वो करवा रहे थे। द अलायंस विद अवध क्विल्ड कंपनी फियर्स फ्रॉम मराठा अटैक। अब ये जो कंपनी थी मराठा के अटैक से इन्हें कहीं ना कहीं बहुत डर था कि अगर अटैक होगा तो क्या होगा। इन द मीन टाइम मीर जफर हैड बीन
अगेन मेड अगेन बीन मेड नवाब ऑफ बंगाल। और फिर इतने ही चलते चलते उन्होंने मीर जफ़र को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। एक्सपांशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और कैसे विस्तृत तरीके से फैली भारत में। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द सॉवरेनिटी ओवर बंगाल द ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड द साउथ। देयर वर द थ्री मेजर पावर इन द साउथ, द मराठा, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द हैदर अली इन मैसूर। इट बिकेम इम्परेटिव फॉर ब्रिटिश टू कीप दिस पावर डिवाइडेड एंड विन द निज़ाम टू देयर साइड। अब जो थे उन्होंने बंगाल में तो अपना आधिपत्य जमा लिया था, अब उनकी नज़र दक्षिण की ओर थी जहाँ पे तीन पावरफुल जो कंपनीज थी, जो लीडर थे वो वहाँ थे। कौन कौन थे? मराठास थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और हैदर अली। ये तीन जो थे तीनों बहुत मुख्य शक्तिशाली थे उस एरिया में दक्षिण में। तो ब्रिटिश के पास सिर्फ इतना ही बच गया था कि वो क्या करें, या तो इन तीनों को अलग कर दे और फिर निज़ाम को अपनी तरफ कर ले, क्योंकि निज़ाम आसानी से अपनी तरफ हो सकते थे, ऐसा ब्रिटिश का मानना था। द एंग्लो मैसूर वॉर। द रूलर ऑफ मैसूर वादिर हैड बिकम वीक। अब जो रूलर थे वहाँ के किंग थे वादिर, वो क्या पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। हैदर अली वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मैसूर आर्मी। अब हैदर अली वहाँ की जो आर्मी थी, सेना थी, उनके कमांडर थे। ही वॉज ब्रिलियंट जनरल एंड श्रूड। वो कैसे थे? निडर, साहसी और बहुत शातिर थे। ही सरप्रस द थ्रोन एंड एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर मैसूर। द ब्रिटिश वर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग पावर ऑफ हैदर अली। फोर वार वर फॉट फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन ब्रिटिश एंड मैसूर स्टेट बिटवीन 1767 टू 1799। अब हैदर अली ने क्या करा, वहाँ के तख्त पे अपना कब्जा कर लिया और पूरा जो अंडर मैसूर है अपने अंडर में कर लिया। अब ब्रिटिश को इस बात से चिंता होने लगी क्योंकि हैदर अली अब और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। उनके बीच फिर चार लड़ाइयाँ लड़ी गई कि मैसूर किसके अंतर में आएगा, जीतने पर पता चलेगा। द फर्स्ट वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग द रिंग ऑफ अ वेरिन हेस्टिंग। हैदर अली वॉन द वॉर एंड अफोर्स द ब्रिटिश टू साइन द ट्रीटी। अब जो पहला युद्ध हुआ उसमें ब्रिटिश हार गए और हैदर अली ने ब्रिटिश को मजबूर कर दिया एक ट्रीटी साइन करने के लिए। बाय दिस ट्रीटी बोथ द साइड्स रिटर्न द प्रिजनर ऑफ अ वार एंड कॉन्क्वायर टेरिटरी प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर वैन अटैक बाय द थर्ड पार्टी। फिर उन्होंने क्या कहा कि दोनों मिलकर एक दूसरे के युद्ध में मदद करेंगे अगर कोई तीसरा उन पर हमला करता है तो, और जितने भी प्रिजनर्स हैं उन्हें भी क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए जो कैदी हैं। बट द ब्रिटिश डिड नॉट कीप देयर साइड फॉर द पैक्ट। दिस रिजल्टेड इन अ सेकेंड इंग्लिश मैसूर वॉर इन विच अ फ्रेंच कंपनी हेल्प्ड हैदर अली। लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा मानने से मना कर दिया तो फिर दूसरा युद्ध हुआ इंग्लिश और मैसूर के बीच, जिसमें हैदर अली की मदद फ्रेंच ने की थी। आफ्टर हैदर अली दैट हिज सन टिपू सुल्तान कैरिड ऑन द वॉर। अब हैदर अली की जब डेथ हो गई तो उसके बाद उनके बेटे टिपू सुल्तान ने युद्ध को कंटिन्यू करा। अल्टीमेटली अ पीस ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंग्लिश एंड टिपू सुल्तान। और फिर एक वापस से ट्रीटी साइन की गई इंग्लिश और टिपू सुल्तान के बीच, जो क्या थी, पीस ट्रीटी थी, मतलब अब उनके बीच किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। टिपू डिसलाइक द इंग्लिश, ही ट्रेंड हिज आर्मी इन द यूरोपियन स्टाइल टू एक्सपेल द इंग्लिश फ्रॉम इंडिया। अब टिपू सुल्तान ने क्या करा कि अपनी जो सेना थी उनको यूरोपियन की तरह ट्रेन करना स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो वो चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दें। इसके आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।